प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल में बने ध्यान मंडपम में ध्यान लगाते नजर आए। वहीं चुनावी भागदौड़ से मुक्त होने के बाद पीएम मोदी ने ध्यान साधना शुरू की और शुरुआत में 30 मई की शाम को की थी। इस बीच उनकी साधना का एक वीडियो सामने आया है। वहीं वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी सूर्योदय के समय रॉक मेमोरियल के प्रांगण में नंगे पैर चल रहे हैं। इसी दौरान उन्हें माला जपते हुए भी देखा जा सकता है। उन्होंने भगवा रंग की पोशाक पहनी हुई है और इसी रंग का गमछा भी लपेटा हुआ है। वहीं सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को जल दे रहे हैं और इस दौरान वह हल्की आवाज में मंत्रोच्चार भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर चुनाव प्रचार के बाद आध्यात्मिक यात्रा पर जाते हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के बाद पीएम ने केदारनाथ के गरुण चट्टी में ध्यान लगाया था। वहीं इस बार पीएम 45 घंटे की ध्यान साधना के लिए कन्याकुमारी की विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे हैं।